इस्लाम में कुछ चीज हराम है, कोई चीज हलाल है। तो अब जैसे मैं पठानों से मिलता हूँ तो वो लोग अपनी स्टोरी बताते हैं, और जैसा मेरे नए नए शादी हुई है तो मेरा बीवी मतलब मुझे पीछे नहीं देता है। तो इज लाइक अनलेस सेक्स इज अलाउड और नॉट, सॉरी टू से, बट लाइक समटाइम्स मुझे मास्टर बेटा मोटू मारना पड़ता है, तो मैं क्या करूँ। तो जो आपका सवाल है कि आपको सेटिस्फेक्शन ही मिल रहा इस पे आप गुलजार के रिएक्शन देखिएगा। आई जस्ट डाइड लाफिंग। दोबारा से सुनिए ऐसे। मुझे पीछे नहीं देता है, तो इज लाइक एनल सेक्स इज अलाउड और नॉट, सॉरी टू से, बट लाइक समटाइम्स मुझे मास्टर बेटा मोटू मारना पड़ता है, तो मैं क्या करूं। गुलजार की मुझे पता है उसकी हालत क्या हो रही होगी इस वक्त। उससे जो क्वेश्चन पूछा है गुलजार के तो आगे सुने। इस तो जो आपका सवाल है कि आपको सेटिस्फेक्शन ही मिल रहा है अपनी वाइफ से। जी ओह माय गॉड, मतलब मुझे एनल सेक्स कर सकता हूं कि नहीं? किस लिहाज से? आप इस्लाम के लिहाज से पूछ रहे हैं, साइंस के लिहाज से पूछ रहे हैं? किस लिहाज से? क्या मतलब किस लिहाज से पूछ रहे हो? मीट में हड्डी बन गए थे? नहीं, गुलजार को समझ में। गुलजार आगे सुनो इसकी। गुलजार बेचारा दोनों लिहाज से बता दे। मैं दोनों तो आप क्या हैं, मुसलमान हैं या आपने छोड़ दिया इस्लाम, या आप कोई और रिलीजन है उनका ये अभी आपका? मैंने अराउंड 1 ईयर से छोड़ दिया है, लेकिन अब बता दें कि मतलब ये मेरे कई फ्रेंड्स से पूछ चुके हैं। एक्चुअली पठान में और नॉर्मल लोगों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। लाइक दोनों एंगल से आप एक बार अपनी चीज बता दें। नहीं, आपका सवाल है क्या? आप कह रहे हैं जायज है या नाजायज है, ये पूछ रहे हैं? जी, और साइंस के हिसाब से भी बता दें दोनों। गुलजार ली ऐसे तो ऐसे पूछ रहा है। गुलजार गायनोकोलॉजिस्ट है, सेक्स थेरेपिस्ट एस्पेक्ट से के पीछे से करना, ये बोल रहे हैं आप? जी, जैसे फैंटेसी होती है ना कई लोगों की, तो इसलिए पूछ जी रहा हूँ। जी तो अब आप बाद में गुलजार से मेरी बात हुई थी, उसने मुझे बताया था इस बारे में। भाई, मजाक मेरा का सवाल क्वेश्चन आपको पूछ बहुत के अजीब सा लगेगा, अब आप भाई मजाक का मेरा सवाल क्वेश्चन पूछ आपको बहुत के अजीब सा लगेगा, लेकिन 100 में 70 अगर वो पठान है तो 100% है ये चीज। आपको मेरा क्वेश्चन अजीब लगेगा, लेकिन इतना हाँ। सारा मटेरियल है इंटरनेट पे और सब है, तो मेरा क्वेश्चन मेरे लिए वाजिब है। आपको लगे बुरा, मतलब बुरा नहीं तो नहीं बात बुरा नहीं नहीं लग है, रहा मुझे, जितना बुरा नहीं लग रहा। पर्सनल नहीं, बुरा नहीं लग रहा मुझे। नहीं, बुरा नहीं लग रहा भैया। मैं ना सेक्स पे जज नहीं कर रहे, मगर मैं मुझे ऐसी इस वजह से आ रही थी कि एक तो ये क्वेश्चन उसने आके मुझसे पूछना था, राइट? मगर मैं बिजी हो गई तो बेचारे गुलजार जी फंस गए बीच में। तो गुलजार के एक्सप्रेशन, उसके जवाब सुन सुन के मुझे ऐसी आ रही थी। आई जस्ट सॉरी, इट वाज जस्ट टू फनी। अच्छा आगे सुनो। तो भाई आप कर सकते तो हैं, क्या कोई कोई अगर ऐसा हो रहा होता तो पूरे यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में तो सब बीमार हो चुके होते। अगर इसको कोई ऐसा नुकसान होता मेडिकली, एक हो गया जवाब। दूसरा, आपका अगर पार्टनर इस पे अग्री नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है इस पे जी जबरदस्ती तो नहीं जी हो उस सकता है, आप फोर्स तो नहीं कर इस्लाम सकते में हैं। मतलब क्या वो इस्लाम के लिहाज से मतलब क्या उसका रोल है, क्या हाँ, बीवी ना दे ये तो समझ गया जबरदस्ती, मैं सवाल। ये चीज बताइए। हाँ, इस्लाम पे मेरे को सब कुछ पता है। इस्लाम में एनल सेक्स है कि नहीं, ये गुलजार को जरूर पता है। गुलजार जी बताएंगे कि एनल सेक्स है इस्लाम में कि नहीं है। चले, क्या जवाब होगा इसका? हाँ, ये इसमें ये तो होता है फिर कि मतलब पठान इस्लाम फिर ने कैसे कर लेते हैं? पठान वजीरिस्तान में तो सर कर लेते हैं, मतलब फिर हम लोग क्यों नहीं, मतलब ये क्वेश्चन है इस्लाम एक्चुअली। ने, इस्लाम में तो शायद मना है इस चीज का, ये बंदा पठानों से बड़ा जेलस है, बड़ा ही जेलस है कि मेरे को ही पठान होना चाहिए था। शरीयत में कहा हुआ है कि ऐसा मुफ्तियों ने, मौलवियों ने अपनी तरफ से लगाया हुआ है, ठीक है। और हालांकि कुरान में तो है कि खेती वाली बात की हुई, कुरान से तो साबित हो रहा है कि आपकी मर्जी है, आप जो चाहो करो औरत के साथ। तो इसमें फिर मौलवी मुफ्तियों ने गन डाली हुई है, तो इस वजह से आप इस आपके लिए हम दुआ कर सकते हैं, साइंसी दुआ।
मगर एक बात बताओ मैं आपको, सीरियस कॉल आ गई थी, नो प्रॉब्लम, आपका पार्टनर अगर मुसलमान है ना, हूरपरी बड़ा हार्ड है कन्विंस करना मुसलमान वाइफ को उसकी मर्जी को छोड़ के, तो बड़ा मुश्किल है। हाँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कन्विंस करना, तो आप सबर कर लें, ठंडा पानी पिया करें, ठंडा पानी। हाँ ठीक है, और कोई जरिया है मतलब कुछ जरिया ये है, कुछ ऐसी कि... कुछ ऐसी भी पोजीशन होती हैं जो आपको वैसे ही मजा देंगी जैसे आप सोच रहे हैं, वो कोई, अब आप मैं आप क्या बोलूं आपको, थोड़ा बता नहीं, मैं पब्लिक में नहीं बता सकता, मैं पब्लिक में नहीं बता सकता, आप ऑफलाइन बात कीजिए, गुलजार जी इस चैनल में दिखा देती हूं, गुलजार जी आपको ठीक है, थैंक यू, थैंक चलिए, थैंक यू रिया जी, अच्छा, ओह माय गॉड, गुलजार हमें बताओ कौन सी और पोजीशन है जिससे आपको वैसे ही मजा आएगा, ठंडा पानी, ठंडा पानी पीने से क्या बंदा ठंडा हो जाता है, ओह माय गॉडनेस, मैंने मैं कॉल तीन चार मर्तबा सुनी है, मैं जितनी मर्तबा सुनती हूँ आई जस्ट डाई लाफिंग, गुलजार के रिएक्शन, गुलजार के आंसर्स, अब दूसरी पोजीशन ट्राई कीजिए।